नमस्कार, गुड मॉर्निंग खुलुम भाई। पहले मैं आज उपस्थित हमारे मेहमान और स्टूडेंट्स और सब मीडिया सबको मैं रंगजाली बैसागु और रंगाली बिहू की शुभकामना देता हूँ। और ये एक स्पेशल प्रोग्राम है हमारे लिए Y20 का, इसमें आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज हम सब सुखी है कि हमारे बीच में हमारे देश के मोस्ट वाइब्रेंट लीडर आज के समय के संबित पात्र जी, जो BJP के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर है, हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग संबित पात्रा जी को TV में देखते हैं, बड़े बड़े सभा में भाषण देते हुए देखते हैं, और आज सौभाग्य है कि संबित पात्रा जी को हमारा कोकराझार में हम यहाँ एक साथ एक प्रोग्राम में मुलाकात होने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ और सबको जरदार से एक तालियों के उसे स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे बीच में अशोक सिंघल जी है, असम के लीड में अशोक सिंघल जी। हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ मिलके हमारे बोडोलैंड में पीस बिल्डिंग में काफ़ी काम किया, और आज वो भी उपस्थित है, मैं इनको भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उल्लास कमार जी है, मैं आपको भी स्वागत करता हूँ, आपको बाद में हम लोग सुनेंगे। उल्लास कमार जी हमारे बीच में है। हमारे स्पीकर, काउंसिल के स्पीकर कातिराम बोरो जी है हमारे बीच में। मैं हमारा ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फेलिसिटेशन देना है उधर ही जाके हमारे सब EM और स्पीकर सबको स्वागत करने के लिए। हमारे बीच में मेरे कलीग EMs है, MLA है, MCLA है, हमारे ऑफिशियल्स है, बहुत सारे कॉलेज के हमारा प्रिंसिपल्स है, और इंटेलेक्चुअल है, और स्टूडेंट्स फ्रॉम कोकराझार एंड आउटसाइड ऑफ कोकराझार, एंड सम ऑफ द यूथ लीडर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट टूडे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप सब लोग इस जो टॉक सीरीज में आके आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और इसके साथ ही ये प्रोग्राम हमारे कोकराझार में मुमकिन हुआ बिकॉज ऑफ स्वप्निल जी एंड हीरक जी, मैं दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी तरफ से। हमारा ये लोग यूथ लीडर्स हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे यूथ लीडर्स हैं, सो सब मिलके ये हमारा टॉक सीरीज को सफल किया। हम बाद में हमारे जो चीफ गेस्ट है की नोट जो देंगे, उनसे सब बातें सुनेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि आज देश एक अलग दिशा में जा रहा है, हम लोग सब लोग को देखने को मिला है, और इसीलिए आज के ये जो 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी भारत को मिला है, हमारे सब सबके लोकप्रिय और मोस्ट डायनेमिक लीडर ऑफ द वर्ल्ड नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हमारे भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है। और इसको इफेक्टिवली करके पूरा दुनिया को दिखाने के लिए, और हमारे देश के लोगों को भी दुनिया में जो हो रहा है इससे जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग प्रोग्राम्स हुआ है पूरा देश भर में। और ये अलग अलग प्रोग्राम में से ये Y20 एक टॉक सीरीज यहाँ जो आयोजन किया है इफ्नी के नेतृत्व में, ये हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। हम सब लोग जानते हैं कि जो यूथ है, वो यूथ को लेके ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर का जो प्लानिंग है ये किया जाता है, और यूथ ही हम लोग का कैपिटल है, नेशनल कैपिटल। बहुत समय पे हम लोग सोचते हैं कि नेशनल कैपिटल बोलने से हमारा वेल्थ कैपिटल है, हमारा रिसोर्सेस है, बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है ये ह्यूमन रिसोर्स है, और इनमें से
ह्यूमन रिसोर्स में जो यूथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूथ है, और यूथ जो है इसको हम लोग कहीं भी किसी भी काम में हम यूथ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए ही आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे योजना जो है, प्रोग्राम्स जो है यूथ को लेके बनाया गया है। उसको लेके हम लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कोशिश हमारे यहाँ किया गया है। हम बोडोलैंड के सब लोग आभारी है प्रधानमंत्री जी से, भारत के और गृह मंत्री जी से, कि ये प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला उसके बाद ही हम लोग का जो होप्स है और एस्पिरेशंस है वो बहुत ज़्यादा जो है फुलफिल हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत बहुत काम हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जो डिसाइसिव डिसीशंस हुए हैं उसको लेके अभी हम लोग एक यकीन लेके, एक कॉन्फिडेंट लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हमारे बीच में लीडर है जो सोचते हैं और करते हैं, और निर्णय लेते हैं और करते हैं, सोचते हैं निर्णय लेते हैं और करते हैं। और डिसीशन लेना बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे इश्यूज भारत में पूर्व से लेके पश्चिम तक बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स हम लोग काफी सालों से फॉर मेनी डिकेड्स हम लोग को देखने को मिला, लेकिन धीरे 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 ये सारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है। आज कश्मीर सांड है, कश्मीर के साथ पूरा पूर्वोत्तर सांड है। हमारा कोऑर्डिनेटर संबित पत्रा जी पूरा नॉर्थ ईस्ट का कोना कोना दौरा किया है। बाद में हम बोलेंगे संबित पत्रा जी कि पूरा पूर्वोत्तर में आज से 15-20 साल पहले जो एक सिचुएशन था कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं ले रख सकते थे कि कल क्या होगा, लेकिन वो अभी उम्मीद में बदल गया है। हम लोग को सपना देखने का एक साहस मिल रहा है। पहले हम लोग को सपना देखने का भी साहस नहीं था, अभी सपना देखने का हम लोग को साहस मिला है। और खास करके बोडोलैंड में, बोडोलैंड पूरा जो अनसर्टेनिटी था, पूरा डिस्टर्ब एरिया था, इसमें डेवलपमेंट को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ उसको भी लेके बहुत लोग के बीच में डर था। लास्ट 40 ईयर्स में मोर देन 5000 हम लोग इनोसेंट लोगों का जान गंवाई है। इनमें से मैक्सिमम जो है वो यूथ है। वो यूथ हमारे देश का काम आ सकते थे, वो यूथ हमारे राज्यों का काम आ सकते थे, वो यूथ हमारा सोसाइटी का बहुत काम आ सकते थे, लेकिन ऐसा यूथ हमने गंवाए है, खोए है। और वो बंद हो गया जब 2020 में पीस एकॉर्ड हुए, और पीस एकॉर्ड के बाद ही अभी हमारा एनडीपी का जो भाइयों है, हमारा दादा भाई जितने भी था जंगल में था, डिजिग्नेटेड कैंप में था, वो लोग आके घर में आ गया। एक समय था हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, सुबह हम लोग घर से निकलते हैं रास्ते में आर्मी देखने लगते थे, हम लोग डर जाते थे। स्वाभाविक एक परिस्थिति में अगर गांव में 10 आर्मी आके खड़ा होगा बंदूक लेके, पूरा वो परिस्थिति बदल जाते हैं। हम लोग को डर डर से जीना पड़ता था। वो इतना आर्मी CRPF BSF सब लोग भरा हुआ था, और वो जो है हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन के नाम पे आके आया, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन के नाम पे आए थे, लेकिन पूरा सिचुएशन टेररिज हो गया था। हम देशवासी होके इतना नाराज थे, इतना फ्रस्ट्रेटेड होते थे उस टाइम पे, क्योंकि अगर ये लड़ाई में कोई मरता है नौजवान, अगर वो आर्मी है वो भी हमारे ही नागरिक है, अगर वो कोई बोधो लड़का है वो भी हमारा ही भाई है, जो मारने वाला भी हमारा ही भाई है, मरने वाला भी हमारा ही भाई है। वो सारा सिचुएशन अभी बदल गया, और इसीलिए इस उम्मीद को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। और यूथ जो है, यूथ में बहुत एनर्जी होता है, उस एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा में अगर हम लोग ले जा सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है। यूथ में ही हम लोग का ड्रीम्स है, यूथ में ही हम लोग का इमोशन है, यूथ में ही साहस है, यूथ ही सब कुछ कर सकता है, एम्बिशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको एक प्रॉपर चैनल में हम लोग को ले जाना है। हमारा प्रधानमंत्री जी बोल रहा है, हमारा डेटा जो है वो भी बोल रहा है, हमारा 30% जो आबादी है वो यूथ है। और अभी जो भी काम होता है, आप एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, पॉलिसी मेकिंग में हो, पॉलिटिक्स में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, कोई भी फील्ड में, हमारा यूथ जो है वो हमारे देश को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकता है। और उसको नजर रखते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा,
जे बोडोलैंड में हम लोग काफी योजना बनाई है हमारे यहाँ के लड़का यूथ के लिए, और वो योजना को वास्तव में हम लोग ये रियलिटी में ट्रांसलेट करके देश के बाकी हिस्से बाकी क्षेत्रों जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बोडोलैंड को भी हम लोग ऐसे ही एक आगे ले जाने के लिए हमने काफी प्रोग्राम हमने किए हैं। जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री हमने यूपीएससी कोचिंग करवाए, हमने स्टूडेंट्स के लिए अभी स्पोर्ट्स के लिए काफी काम हमने शुरू कर दिया, एजुकेशन में जो है JEE के लिए हमने कोचिंग फ्री करवाया 50 बच्चे के लिए, और बोडोफा मिशन हमने लॉन्च करके इस साल से हम लोग 200 बच्चे को सिविल सर्विस के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए फ्री पढ़ाने का काम हम लोग शुरू किया है, ताकि आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मिले। और इसी के साथ ही अभी डिफेंस में हमारे जो बच्चे हैं डिफेंस के लिए बहुत फिट है हमारे यूथ्स, उनको आगे ले जाने के लिए हम लोग जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है उनसे सारा पूरा बोडोलैंड में ट्रेनिंग करवाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर हमारे देश में नया एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे यूथ को हम लोग को क्या है देश सेवा करने का और पेट्रियोटिक एक मोटिवेशन लाने के लिए मौका मिलेगा अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ, तो उससे हम लोग जुड़ के काफी काम हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। बोडोलैंड में 2020 के बाद हम लोग रागाम प्रोग्राम शुरू किया है संस्कृति के लिए, लीड फेस्टिवल शुरू किया है, नॉलेज फेस्टिवल किया है, जोठुम्मा एक प्रोग्राम है यूथ के लिए वो हम लोग शुरू किया है, इंटर सिक्स शेड्यूल फुटबॉल प्रीमियर लीग किया है, संतोष ट्रॉफी हो चुके हैं, और हमारे यहाँ इंटरनेशनल जो है थिएटर फेस्टिवल भी हो चुके हैं, और आने वाले समय में एक प्रपोजल है हमारे माननीय शिप मिनिस्टर मुझे बोला है कि हम लोग जो दुरंतो कप भी इस साल हम लोग करने जा रहा है, जो एशिया के सबसे पुराना जो फुटबॉल इवेंट है दुरंत कप, उसको हम लोग इस साल होस्ट करने जा रहा है बोडोलैंड में जुलाई में। रिसेंटली हम लोग इंटरनेशनल खोखो भी किए हैं, तो ये सबको लेके अभी देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पॉलिटिकल जो कल्चर है असम में वो बिल्कुल बदल दिया है, और उसको पॉलिटिकली कैसे सोशल डेवलपमेंट करना है, और पहले के जमाने में पॉलिटिक्स बोले तो हम लोग सोचते थे ये रास्ता बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन उसके आगे जाके सोशल स्टेबिलिटी कैसे लाना है, ड्रग्स बंद करवा के, दारू का जो माहौल था उसको बंद करवा के, जो बाल्य विवाह था अर्ली मैरिज होते थे उसको बंद करा के बहुत सारे काम असम में अभी शुरू हो गया है, उससे हम लोग को बोडोलैंड को जुड़ना है, और इंडिया में जो जो अच्छा काम हो रहा है उससे हम लोग को जुड़ना है। इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी इतना एक सुनहरा मौका है, हमारा जो नेता है वो लास्ट मैन के लिए सोचते है, और देश को 5 ट्रिलियन देश बनाने के लिए भी सोचते हैं, कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए सोचते हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जो पूरा दुनिया को कैसे शांतिपूर्वक कैसा रहना है, कैसे मिलजुल के रहना है, वो उसके लिए भी सीख हमारे भारत से जाते हैं। यूक्रेन के जो लड़ाई हुआ था रशिया और यूक्रेन में, सब लोग सोच रहे थे कि हमारा रोल क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, यूक्रेन के साथ रहेंगे ना रशिया के साथ रहेंगे, ट्रेडिशनली इंडिया रशिया के साथ है तो हम किसके साथ रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है, जो रोल लिया है, उससे पूरा विश्व को एक सीख मिला है जो भारत जो पीस है उसके साथ है, पीसफुली भारत रहना चाहता है, कोई लड़ाई नहीं चाहता है, तो ऐसा एक माहौल पूरा दुनिया में बन गया है, वो हम लोग को अभी सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और हमारा नौजवानों को यूथ को हम लोग का जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करके कैसे हम दुनिया में अभी हमारे जो अमृत काल के बाद चल रहे हैं से विश्व लीडर कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का सपना को हम सकारात्मक वास्तव में कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सोचना है। तो इसीलिए आज ये जो हम लोग का Y20 का प्रोग्राम है, मैं सबको स्वागत करता हूँ, ये हमारा शाम तक प्रोग्राम चलेगा, मैं माफी मांगता हूँ, यहाँ AC का जो एयर कंडीशन का जो वो होना था वो हो नहीं पाया, बहुत कोशिश किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ सुबह तक और लोग कोशिश किया था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम जो है हमारे लिए एक अच्छा मौका है, तो इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इसीलिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आए हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा गर्म मिलेगा लेकिन यहाँ जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसीलिए लास्ट तक आप लोग ये प्रोग्राम में अटेंड करें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ।
बोइनिसिमबो खावलायदों जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जिखिनि जोंहा स्पीकार्सफोर फैगोन बेलासिसिम गोबां मोजां मोजां खोथाफोर बिथांमोना बुंगोन जे जोंनि जिउआव केरियार दानायाव गोबां माखासेफोर जों सोलोंनांगौ दङ टेक्सटबुकआव फरायनानै जिखिनिखौ सोलोङो जोंनि कलेजाव बा स्कुलाव जोङो टीचिं लार्निं प्रसेसजों जिखिनि सोलोङो बिनि बादैबो गावखौनो दैदेनगिरि हिसाबै फसंनो थाखाय एबा गावनि जिउखौ दानो थाखाय जोंनो सासे फरायसानो गोबां जिनिस नांगौ जायो गोबां नलेज गियानफोरखौ नांगौ जायो जेखौ नैफोरबायदि मिटिंनि गेजेरजोंसो जों मोननो हायो गोबां इनफरमेसन नांगौ जायो जेफोरखौ जों नैफोरबायदि मिटिंनि गेजेरजोंसो मोननो हायो दा बिनिखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायदों जे जोबजासे जाहाथे बयबो थायो आरो खोनासङो आरो बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंना थांनानै गावनि जिउआवबो जोङो फिसा फिसा सिमांखौ गारनानै APJ आब्दुल कालामा बुंनाय बायदि जोङो गिदिर गिदिर सिमांफोरखौ नुनांगौ मानोना जोंनि हारिखौबो मुलुगाव जोङो मोनसे जौगासार हारि महरै गायसननांगौ मोनसे समाव गोबां बुथारलायनाय दाङाबाजि गाज्रि थासारि थांबाय जौ जुवा गाज्रि थासारिफोरा जोंनि गेजेराव थांबाय दा दिनैनि समा जोंनि थाखाय बेस्ट मोनसे मोजां सम जेराव हादोरनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि थाखाय सानो रायजोनि दैदेनगिरिफ्राबो सानो आरो जोंनि गेजेरावबो जोङो दिनै बयबो मोनसे जौगानो लुबैनाय सोलायनो लुबैनाय मोनसे माइन्डसेट जोंनि गेजेराव मोनसे फैदों दा बेखौनो स्कप लानानै जों बयबो दावगालांनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय आरो बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो लोगोसे दिनैनि समाव बयबो जाहाथे मोजाङैनो थायो बेखौनो खावलायनानै फिर से मे एकबार बड'लेण्डके तरफ से BTR गभर्नमेन्टके तरफ से और बड'लेण्डके सभी हमारे भाई बहनोंके तरफ से मैं संबित पत्रा जी को अशोक सिंघल जी को और हमारे जितने भी इन्वाइटेड गेस्ट आए हैं सबको बिहू का रंगजाली बैसो का शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जे आने वाले साल आपका बहुत अच्छा से गुजरे आपका जो भी आपका एम है वो पूरा हो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद गजनथक थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन